सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज का वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपके उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यूपी लेखपाल होगा या फिर आपका यूपी पुलिस का हो गया, पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, इन सभी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी जीके से बन सकते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में रखा हुआ है। इसलिए इस वीडियो कम्प्लीटली पूरा बात जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको यहाँ पर मैंने टॉप 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से सीमा लगने वाले राज्यों में झारखंड भी शामिल है, बिहार भी शामिल है और साथ में उत्तराखंड भी शामिल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा थर्ड नंबर जिसमें बोला गया है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है वो है लखनऊ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा फोर्थ नंबर जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75 जिले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा फिफ्थ नंबर जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है सिक्स नंबर जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भदोही जिला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सेवन्थ नंबर जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारहसिंघा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है एट्थ नंबर, बोला गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके सामने नाइन्थ नंबर, आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आगरा प्रेसिडेंसी जो है इसकी स्थापना की गई थी 14 नवंबर 1834 को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर 1834। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा टेंथ नंबर जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलास। आपको ध्यान रखना है कमल उत्तर प्रदेश का नहीं है राजकीय पुष्प। आपको ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाता है कि राजकीय पुष्प क्या है तो आपको बताना है पलास, और अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है तो आपका राइट आंसर होगा कमल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 11th नंबर जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 12th नंबर जिसमें बोला गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का किस नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4th नंबर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 13 नंबर जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके सामने 14 नंबर, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 15 नंबर जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश की राजकीय मोहर क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, क्योंकि आपको पता होगा कि रोहू और जो धनुष है ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजकीय मोहर में सम्मिलित हैं। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 16 नंबर जो कि बोला गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 17 नंबर जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगी आदित्यनाथ।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 18 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदी बेन पटेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 19 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 403। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 20 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 सीटें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 21 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 22 नंबर, बोला गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 सीटें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 23 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 सीटें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 24 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब बनाई गई थी। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ से पहले आगरा भी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आगरा कब बनाई गई थी इसकी राजधानी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1836, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 25 नंबर, जिसमें बोला गया है लखनऊ आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 26 नंबर, जिसमें बोला गया है लखनऊ को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 27 नंबर, बोला गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने जोन हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जोन हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 28 नंबर, इसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मंडल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 29 नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 30 नंबर, यहाँ पर बोला गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 240,928 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 240,928 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 31 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 32 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महोबा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 33 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 34 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती। आगे बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 35 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से एक ही देश है जो कि सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 36 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 37 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 38 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश में संगीत नाट्य अकादमी कहां पर स्थित है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 39 नंबर, बोला गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माता टीला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललितपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 40 नंबर, बोला गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माघ मेला कहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 41 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश में गंगा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 42 नंबर, जिसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 43 नंबर, पंचमहल कहां पर स्थित है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में बोला गया है बागों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। मतलब आपको उस शहर का नाम बताना है जहां पर बाग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब जो गार्डन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 45 नंबर, जिसमें बोला गया है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो यहां पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 46 नंबर, इसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश के कितने स्मारक विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के 3 स्मारक ऐसे हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। पहला आपका आता है फतेहपुर सीकरी, दूसरा आता है ताजमहल और तीसरा आता है आगरा का किला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर 47 नंबर, बोला गया है यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया है 48 नंबर, जिसमें बोला गया है पीतल की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 49 नंबर, बोला गया है यहाँ पर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका है गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में इसका PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए कल मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।